3, 2, 1, let's go। और मैंने नेट शॉट छुपा दिया, तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से खेलने वाले हैं कार फॉर सेल सिम्युलेटर। पिछली वीडियो में भाई हमने अपना ऑफिस थोड़ा सा रिबिल्ड किया था और मतलब उसको एक्सपेंड किया था और उसमें गाड़ियां खड़ी करी थी बढ़िया बढ़िया। बट आज की वीडियो में गाइस इतना बढ़िया सरप्राइज है, मैं बोलने नहीं वाला, मैं सीधा अंदर चल के दिखाने वाला हूँ। लेट्स गो, फटाफट से अंदर चलते हैं। ठीक है, तो भाई अभी तो हम अपने घर पे हैं, तो फटाफट से ऑफिस चलते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ। लेट्स गो। और हाँ, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ पहली, कि अब हम बस से मतलब ट्रैवल नहीं करते हैं, तो कुछ बढ़िया सी गाड़ी होने वाली है ऑब्वियसली। तो ओके, 3, 2, 1, भाई सरप्राइज कुछ इस तरीके का है। भाई क्या लग रही है, मतलब ये कलर देखो इसका, और ये गाड़ी भाई देखते ही पहचान तो गए होंगे, निसान GTR है भाई। मतलब तुम्हारे भाई ने इसको ऑक्शन से लिया है, मतलब 7 लाख डॉलर की पड़ी है मेरे को। और भाई इसका मतलब रेसिंग में इतना ज़्यादा मतलब ये बढ़िया परफॉर्म कर रही है इसने भाई, मतलब इसका पिकअप वगैरह बहुत ज़्यादा सही है। और एक और चीज़, ऑफिस खोलते हैं और अंदर आके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक रेड कलर की फरारी है और ब्लू कलर की मस्टैंग है। तो भाई आज मैं इस गेम में सिर्फ और सिर्फ रेस करने वाला हूँ, क्योंकि भाई हमारे पास इतनी ज़बरदस्त कार है तो इसका फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए। तो रेस करने से पहले यार एक काम करते हैं, पहले इन दोनों कार्स को ना थोड़ा सा सेल पे लगा देते हैं, क्योंकि पैसे थोड़े से 7 लाख डॉलर ही बचे हैं मेरे पास। तो ओके, निसान GTR तो मैं बिल्कुल भी नहीं बेचने वाला। मस्टैंग मैं लेके आया था 30,000 की, 4,500 रुपये मैंने इसमें लगा दिए, तो इसको मैं बेचूँगा 1 लाख डॉलर में। ठीक है, हो गए ना? हाँ हो गए। ठीक है, बढ़िया। तो पुट इट ऑन सेल। और फरारी मैं लेके आया था 2,80,000 की, 5,000 मैंने इसमें लगा दिए, तो फरारी मैं बेचने वाला हूँ 5 लाख की, देखते हैं जाती है कि नहीं। ठीक है, तो इसको भी लगाते हैं सेल पे। और फटाफट से अपनी GTR उठाते हैं और रेस करने चलते हैं। आज वैसे ऑक्शन ओपन है, तो यार मैं सोच रहा हूँ भाई अगर मेरे पास 2 GTR हो गई ना, मज़ा आ जाएगा। बट यार ये ना बड़ी मुश्किल से मिलती है भाई। भाई ये देखो भाई क्या गाड़ी है, मतलब ओ भाई ये ना थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है, पर भाई गाड़ी जबरदस्त है ये भाई। ड्रिफ्ट तो मतलब, तो वैसे कितने 1 बजे से स्टार्ट है, उतरते हैं नीचे। यार ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है और भाई फरारी बिक चुकी है, तो मैं देख रहा हूँ लेनी चाहिए मुझे, नहीं लेनी चाहिए टिकट। ओके, ये GTR है ना? ओ भाई यार मैंने मिस कर दी क्या? अबे यार शिट, 2 GTR हो जाती यार, मेरे को थोड़ा पहले आना चाहिए था। 6 लाख की मतलब, देख ये कौन सी है? अब ये तो Audi TT है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं लेने वाला। तो भाई ऑक्शन जाने में कोई अभी मतलब मेरे को बेनिफिट दिख नहीं रहा। एक Nissan GTR आई हुई थी पर वो बिक चुकी है यार। कम आती है गाड़ी तो ऑक्शन में, ये तो भाई किस्मत अच्छी थी, हमें ना जल्दी से मिल गई है। तो भाई जल्दी से चलते रेस करते जाके। अरे भाई बंदे ट्रक लेके आए हुए रेस करने के लिए यार, तो पहले BMW वाले के साथ लगाते हैं। $205 यार, कम पैसों की रेस लगा रहे हैं ये। तो भाई बढ़िया, आ चुके हैं हम रेसिंग ट्रैक पे, इंजन करते हैं स्टार्ट, पहला गियर डालते हैं और लेट्स गो, धीरे धीरे आगे चलते हैं। भाई अभी से ही ना ये गाड़ी इतनी तेज़ भागने को हो रही है ना, ये बंदा भाई दूर दूर तक नहीं दिखने वाला मेरे को पता है। ओके, 3, 2, 1 लेट्स गो। भाई कहाँ गया हूँ भाई, कितना पीछे गोली की तरह निकल गई भाई मेरी गाड़ी, अभी भी नहीं आया, अब गया है। ठीक है, तो भाई इससे कौन रेस लगाया, कितने में लगा रहा है, ट्रक लेके आ रखा है $100 की, क्यों लेके आई है, तो ये भयंकर पुलिस वालों जैसा ट्रक लग रहा है मुझे, उसमें कैदी वगैरह ले जाए जाते हैं।
और ये कितने, $300 में ये भी आया हुआ है, इससे भी लगा ही लेते हैं। मैं ना एक चैलेंज करता हूँ, मैं गियर शिफ्ट नहीं करूँगा, पहले गियर में ना इस गाड़ी को हराने की कोशिश करता हूँ। तो भाई ठीक है, मैं लॉक वगैरह कुछ भी ऑन नहीं करूँगा, पहले गियर में चलाऊँगा इसको। नहीं हरा पाएगा भाई, नहीं पहले गियर में भी नहीं हरा पाएगा। खिलवाड़ हो रहा है भाई गाड़ियों के साथ, खिलवाड़। भाई यार कोई बढ़िया सी गाड़ी तो आ नहीं रही है यार, मेरे मुझे कस्टमर क्यों नहीं आ रहे ऑफिस में, जो गाड़ियाँ मैंने दो सेल्फ लगाई हैं। भाई यहाँ पे फिर से गाड़ियों का काफिला जा रहा है, कौन जा रहा है भाई, मिनिस्टर मिनिस्टर जा रहा है क्या यहाँ पे, एक लाइन से जा रही है सारी गाड़ियाँ। हमें धक्का पर हमारे पास यार है, ये पार्किंग तो ऐसी होनी चाहिए भाई, सामने ही खड़ी कर देता है इसको। हाँ इससे उतरते हैं ऑफिस। भाई ये बंदा ऑफिस नहीं खोल सकता हाथ बढ़ा के, यार ये किस लिए रखा हुआ है, मैंने मेरे समझ में नहीं आ रहा, बस ऑफिस साफ करने के लिए रखा हुआ है। गाड़ियाँ सेल पे लगी हुई हैं, रात भी हो जाएगी थोड़ी देर में। यार मैं सोच रहा हूँ एक बार ना नेबरहुड घूम के आ जाते हैं, वहाँ पे कुछ बढ़िया सा मिल जाए तो सही है। आया कस्टमर आया, भाई इसको कौन सी लेने आया, फरारी लेने आया भाई, तमीज के रेट बताइए, 5 लाख रखे हैं मैंने उसके, कितने की लेने आया। चार बीस कह रहा है, बार्गेन करूं और लिख दूं 5 लाख, तो ले जाओ यार 5 लाख में, तो ले जियो, ले जा 5 लाख में, मान निरा लौंडा 480 दे दे। ओके भाई 480 मिल, ओ भाई दो इतने बढ़िया बढ़िया कस्टमर, अबे मस्टैंग ले जाओ ना यार, सबको फरारी चाहिए थी और उसमें ड्रिफ्ट किट इंस्टॉल्ड थी, वो तभी इतनी ज़्यादा फिसल रही थी गाड़ी, मैंने उसको चलाया था ना तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इधर उधर भाग रही थी। ठीक है बाहर चलो, चुपचाप से सो जाते हैं जाके, और भाई सुबह देखते हैं क्या सीन है। फरारी तो मतलब यार 480 की चली गई, सही है, और आज कार मार्केट प्लेस खुला हुआ है और कस्टमर भी ऑफिस में खड़ा हुआ है, तो पहले यार कस्टमर देखते हैं चल के, फिर कार मार्केट प्लेस चलेंगे और देखते हैं यहाँ पे बढ़िया सी गाड़ी मिल जाए कुछ, थोड़ी नहीं काफ़ी गंदी हुई है। ओके यार पहले कार मार्केट पे इस रास्ते में पड़ गया है, तो मैं सोच रहा हूँ देख ही लेते हैं क्या है यहाँ पे, सीधा गैराज भिजवा देंगे अगर कुछ अच्छा मिल गया। मुझे एक सुप्रा तो दिख रही है यार, सामने की तरफ एक सुप्रा दिख रही है, और सुप्रा के अलावा ये तो सारी बेकार लग रही है मुझे। देखिए कितनी पुरानी पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, बस एक सुप्रा ही अच्छी है, तो यार सुप्रा को ही ले जाते हैं। कितने की दे रहा है, 57 की दे रही है, 67 की दे रही है यार, 67 की गाड़ी की कंडीशन ठीक है, काम कुछ कराना नहीं पड़ेगा, 1.5 की चली गई तो ये सही है। पहले मैंने इसको 50 बोल के देखता हूँ, 50,000 में देगी ये। आई एम रियली स्टार्टिंग टू गेट एंग्री राइट नाउ, मतलब यार 50,000 में तो गुस्सा हो गई, 55 इट इज़ अ वेरी बैड। ठीक है भाई 55,000 में इसने दे दिया, इसको सीधा मैं टो करवा देता हूँ अपनी गैराज में, तो भाई इसको ले जाओ ठीक है, और हम ना सीधा चलते हैं रेस करने, तो भाई जल्दी से चलो। एक सेकेंड यार कस्टमर भी खड़ा हुआ है, तो उससे भी पहले डिलीवरी कर लेते हैं, फिर चलते हैं रेस करने। गाड़ी ना मैं तभी धुलवाऊंगा, पहले ये वाली रेस कर लेते हैं फिर धुलवा के लाता हूँ, अभी वरना फिर से गंदी हो जाएगी। और यहाँ पर कौन कौन सी गाड़ी आई है, एक ये ऑडी लग रही है मुझे, ये बीटल है, पहले ऑडी वाले से लगाते हैं यार मुझे ना, हाँ ऑडी S5 है,
ठीक है, मुझे ना एक अपने जैसी गाड़ी से लगानी है, जैसे कुछ BMW हो गई या फिर फरारी वगैरह अगर दिख जाए ना तो फिर देखते हैं। जीत तो पाने का है नहीं, ये भी मुझे पता है। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I'm in mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really get home. Heck yeah. In the zone, that's the only way I know. Feeling low, not to blow. दूर दूर तक नहीं दिखने के, मतलब देखो कितने टाइम पे मैंने यार करा ख़त्म इसको, 7.6 सेकंड में भाई। ओके, ये कोई नया बंदा है, ये गाड़ी अभी नहीं थी यहाँ पे, तो ये तो $166 में। यार चल आ जा, कोई बात नहीं। एक दो तीन, कोई भी नहीं है भाई। 7.7 सेकंड इस बार, 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड गई थी, सही है और क्या भाई। ठीक है भाई, जल्दी धो दे यार, $50 ही लेगा तेरा तो फिक्स है। हाँ ठीक है, चाहे गाड़ी कम धुली हो, चाहे मतलब कम गंदी हो, चाहे ज़्यादा गंदी हो, भाई ये बंदा $50 ही लेता है। ठीक है भाई, गाड़ी धुल के मतलब एकदम चमक रही है, बढ़िया है यार। एक तो ना कलर मैंने ना इसका बहुत सही करा रखा है, और इसमें जो अलॉय लगा रखे हैं वो भी मतलब अलग ही लुक दे रहा है गाड़ी को। भाई देखो एक बार लुक मारो इस पर, इसे मैं कभी नहीं बेचने वाला जब तक मुझे दूसरी निशान GTR नहीं मिलती, और मैं उसे बेचूंगा, इसे नहीं बेचूंगा भाई। इसमें मैंने ना काम करा रखा थोड़ा रेसिंग के टिप का है, तो मैं वो लेके आया था ना सुप्रा। हाँ ठीक है, इसको यहाँ पे खड़ी करते हैं। मस्टैंग का ग्राहक नहीं आया कोई अभी तक है, कोई बात नहीं भाई, तो ऑफिस खोलो और उसको लगाओ अंदर। इसी पे खड़ी कर देता हूँ, ये जो मैंने रोटेटर लगा रखा है ना, बस घूमती रहेगी आराम से। इंजन बंद करो और इसको डाल देते हैं सेल पे। 55 की लेके आया हूँ ना मैं इसको, तो 55 की जगह 150 लिख के देखता हूँ, तब बंदे 1,00,000 देंगे इसका। ठीक है, एंड अब चलते हैं भाई नेबरहुड। मैं सोच रहा हूँ यार अपनी GTR को यहीं खड़ा रहने देते हैं या इसी से चलते हैं। ये देखो भाई इसका ये ना मेरे को बहुत जबरदस्त लगता है, मार्केट प्लेस को मैं देख चुका हूँ। ओ, 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 भाई बहुत गंदी ठुकी है, पूरा लेफ्ट वाला जो है ना मडगार्ड क्या गाड़ी की बहुत गंदी ठुकी है, ठीक भी कराना पड़ेगा यार। अब ज़्यादा तेज चला रहा था और हो गया काम इसका, तो गाड़ी चलता रही। नाइस, चढ़ा दे, काम कर, चढ़ा दे इस पे आराम को, महंगी ठीक होती है बहुत ये। सो जाते हैं भाई, आज का दिन ठीक नहीं है, मेरी गाड़ी टूट गई बहुत ज़्यादा। आज भाई मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने बस 2 गाड़ियाँ बेची हैं, थोड़ी रेस करी है। अब मुझे कल के दिन देखना है कि थोड़ा बढ़िया, यार नुकसान हो गया आज, गाड़ी वाड़ी ठुक गई है, और एक सुप्रा खरीदी है वो भी अभी तक बिकी नहीं है। ठीक है, तो ऑक्शन खुला हुआ है आज, तो ऑक्शन में मैं जाना चाहता हूँ, और 3 बजे से ऑक्शन है, ऑक्शन की टिकट मैं सोच रहा हूँ अभी ले लेता हूँ।
दे यार, बढ़िया मैंने टिकट ले ली। पैसा तो बहुत है भाई, खर्च करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचना। अरे रुक जा मेरी माँ, रुक जा भाई, बहुत तेज चलती है, बहुत ज़्यादा। एक बार हल्का सा नॉर्मल दे दो ना, कुत्तों की तरह भगती है बिल्कुल। ठीक कराओ भाई, कितने का खर्चा आने वाला है, मैं तो देख के हालत ख़राब होने वाली है। तो ओके भाई, गाड़ी हमारी बिल्कुल ज़्यादा एकदम मस्त दोबारा से ठीक हो चुकी है। देखते हैं फटाफट से भाई, कोई है क्या फरारी वगैरह लेके आया है रेस लगाने। कुछ लाख मिलियन डॉलर में भी रेस बैट लगाते हैं बंदे, पता नहीं मेरे में क्यों नहीं आ रहे हैं। सौ सौ डॉलर की बैट लगाने आ रखे बंदे। जान पूछ के नहीं आ रहे क्या, उन्हें पता है कि वो फाड़ देंगे, मतलब गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा वैसी है ना। मेरे को एक बार टाइम पे भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन में 3 बजे से स्टार्ट है, 3 बजे से। अभी मैं फिर ठोक देता इसको, 3 बजे से पहले ना मुझे वहाँ पहुँचना है ऑप्शन में। तो भाई कौन है, कोई अच्छी गाड़ी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। दो बंदे आ रखे हैं और दोनों लल्लू लाल से हैं। एक रेस लगा लेता हूँ मैं, $171। और तू कितने दे रहा है? 215 डॉलर की लगा लेते हैं। और क्या, वैसे भी हमारे मतलब $200 गाड़ी ठुकने में भी लगे हैं अभी। BMW की इतनी बेइज्जती भाई होने वाली है, ज़बरदस्त वाली। ये देखो, तो 3, 2, 1 लेट्स गो। अब मैंने नेट से कुबा दिया, जीत तो तब दुकाने का नहीं है। पहला गियर जो है थोड़ा जल्दी डाल दिया था, भगो ऐसे। ठीक है भाई, अभी कूड़ा नहीं उठा रहा क्या? हाँ उठा रहा, सही है। हराम के 500 रुपये ले रहा महीने के हैं। इसको खोलो भाई फटाफट से, और इसको भी खोलो, जल्दी आ जाओ भाई कस्टमर। सुपरा है तो ठीक, पर ना ये इसमें हम ज़्यादा मॉडिफिकेशन करा नहीं सकते। जैसे इसमें सिर्फ टर्बो लगता नहीं है, इसमें सिर्फ रेसिंग किट इंस्टॉल होती है, तो इतनी मतलब ठीक है नहीं। और फरारी वगैरह आ गई ना तो इसको हरा देगी। सुपरा देखने भी आया हुआ है भाई एक बंदा। ठीक है, 89 कह रहा है, 1 लाख में देगा क्या? 1 लाख ले ले। ले जाए 1 लाख में तो ले जानी चाहिए इसको। ठीक है भाई, 1 लाख में बिक गई हमारी सुपरा। अभी के लिए भाई मैं जा रहा हूँ सीधा ऑक्शन की तरफ, कोई बढ़िया सी गाड़ी मिलेगी ना फिर देखेंगे उसका सीन क्या है। ठीक है, पहली जो कार निकली है वो भाई BMW Z3 है, बेकार, वो भी टूटी हुई है, इसका पीछे का मडगार्ड टूटा हुआ है। 8410, बस अब मत लगा देना बढ़िया। ठीक है, और ये कौन सी है भाई? मैं जा रहा हूँ, मैं ऑक्शन से जा रहा हूँ, भागो यहाँ से, निकलो भाई, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। गोबर गाड़ियाँ लेके आए हुए हैं, कस्टमर आए हुए हैं ऑफिस में, उसको गाड़ी बेचते हैं, और भाई यहाँ से निकलते हैं। वेस्ट हो गए मेरे 300 रुपये। ठीक है भाई, मस्टैंग खरीदने आया ना? हाँ मस्टैंग ही तो है मेरे पास, बस अब मतलब मैं 56,000 वाले को दे नहीं रहा हूँ, 50,000 वाले को दे दूंगा। है 60 तो बोलो कोई, ये देखो यार पैसे हैं। ओ भाई ये बंदा सही पैसे देता है, 53। ठीक है, तो एक काम कर, मुझे 60,000 में दे दे गाड़ी, डबल का प्रॉफिट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 की लाया था मैं, दे दियो 60 में, बढ़िया। ठीक है भाई, रात भी हो चुकी है भाई, और 60। ये बंदा घर नहीं गया क्या? अबे घर जाना भाई, इसको घर नहीं जाना, शायद ये यहीं सोता है मेरे ऑफिस में। भाई कोई नहीं भाई, रात हो गई है और हमारे पास मतलब एट द एंड ऑफ द डे 13,2648 है हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे। बट भाई कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं, ऑक्शन में हमें गाड़ी नहीं मिली। हमारे पास एक GTR है जिसमें हमारी प्यारी सी नंबर प्लेट भी लगी हुई है, और कलर एकदम जबरदस्त है इस गाड़ी का। तो भाई आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है,
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।